इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंस्टाग्राम के ऊपर कि इंस्टाग्राम पे अब आप दोनों तरफ से मैसेज को किस तरह से डिलीट कर सकते हो। जैसे आप मैसेंजर पे अपनी मैसेज को दोनों तरफ से डिलीट कर सकते हैं, वैसे ही आप अपने इंस्टाग्राम पर भी दोनों तरफ से मैसेज को अनसेंड कर सकते हो। किस तरह से डिलीट करना है, क्या प्रोसेस रहने वाला है और आपको ये अपडेट मिला है, आपके फ़ोन में अनसेंड का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो किस तरह से लेके आना, सारी वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। सिर्फ आपको करना क्या है, वीडियो को पूरा देखना है। वीडियो पहले वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों तो शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना कुछ देरी के, बताते हैं कि आप किस तरह से यहाँ पर चेक करोगे कि आप अपने मैसेंजर पर जैसे डिलीट करते थे मैसेज को, वो मैसेज अब आप इंस्टाग्राम से किस तरह से डिलीट कर सकते हो। आप किसी लड़की से चैट करते हो या दोस्त से चैट कर रहे हो, आप किसी भी अनदर पर्सन से चैट कर रहे हो या फिर अपने फ्रेंड से ही बात कर रहे हो और गलत मैसेज आपको पहुंच गया है या गलती से सेंड हो गया है, तो उस मैसेज को आप किस तरह से अनसेंड करोगे ताकि आपका दोस्त उसको देख ना पाए। तो आपको करना है वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। तो चलिए बताते हैं आपको करना क्या, अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना है। जैसे अपने इंस्टाग्राम को ओपन करोगे तो अभी आप वहाँ पे मैसेंजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पे अपनी चैट को ओपन कर लेंगे। आप यहाँ पे कोई भी चैट को ओपन कर सकते हो, जैसे कि हमने ये वाली चैट यहाँ पे ओपन कर ली है, रील्स हमने यहाँ पर सेंड कर रखी है। तो हमने यहाँ पर थोड़ी चैट में निकाल लेता हूँ जो भी हमारी बातें हुई, ये हमारी बातें हुई थी। तो अभी इस चैट को मैं आपको डिलीट करके बताऊँ कि आप इस चैट को किस तरह से डिलीट कर सकते हो अपने इंस्टाग्राम में दोनों तरफ से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक मैसेज है, ये वाला मैसेज मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर ये वाला मैसेज मैं ले लेता हूँ, आपको बताता हूँ ये मैसेज किस तरह से डिलीट हो गया है। तो इस पर वो करना क्या है, लॉन्ग प्रेस करके रखना है। जैसे ही लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो अभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आपके सामने यहाँ पर अनसेंड का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। पहले आपको ये ऑप्शन देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अभी आप यहाँ पर देख सकते हो अनसेंड का ऑप्शन यहाँ पर आ चुका है और आपको सिर्फ आपको अनसेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये मैसेज तो दोस्तों यहाँ से डिलीट हो जाएगा और जिसने आपको भेजा है या आपने जिसको भेजा है उसकी तरफ से भी डिलीट हो जाएगा, उसको भी नहीं दिखेगा। तो अब आप करना क्या है कि आप रिसेंटली में कोई मैसेज यहाँ पे टाइप कर दो। जैसे कि मैंने हेलो लिखा और यहाँ पर लिख दिया हाउ आर यू, तो यहाँ पर मैंने हाउ आर यू लिख दिया और यहाँ पर इमोजी दे दिया। तो अभी आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर ये सेंड कर दिया और सेंड करने के बाद दोस्तों आप ये मैसेज उनके पास पहुंच गया, सपोज कि उन्होंने उठा लिया। तो आपको करना के इसको डिलीट करने के लिए इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। आप चाहो तो इसको एडिट भी कर सकते हो, आपको यहाँ पर एडिट करना है तो इस पर एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे और यहाँ पर इस मैसेज को यहाँ पर टाइप करोगे। जैसे कि ये हाउ आर यू लिख रखा है तो यहाँ पर मैं तीन बार हेलो हेलो टाइप कर देता हूँ आपको बताने के लिए। चलिए मैं कुछ हेलो सर जी लिख देता हूँ, तो ये लिख दिया और डन पे क्लिक करोगे तो अभी आप देख सकते हो आपको सामने वाले बंदे को दिखेगा कि आपने एडिट किया है, कि आपने गलत मैसेज सेंड कर दिया। तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि एडिट वाला दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आप मैसेज देख सकते हो हाउ आर यू से पहुँच गया है हेलो सर जी। तो कुछ इस तरह से अनसेंड कर सकते हो और अपने मैसेज को गलत मैसेज को भी सही कर सकते हो, सिर्फ आपको वहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो उसको। अगर आपको कोई रील्स डिलीट करनी है, आपने रील्स भेज दिए या फिर पोस्ट डिलीट करनी है, तो उसके लिए आपको पोस्ट पर क्लिक करके ना है, रील्स पर क्लिक करके रखना है। आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, डिलीट फॉर यू और अनसेंड। डिलीट फॉर यू को मैंने पहले ही बता रखा है कि डिलीट फॉर यू यानी कि अपनी तरफ से ही डिलीट कर सकते हो, सामने वाले की तरफ से ही डिलीट नहीं होगा जिसको आपने भेजा है। और अनसेंड पर क्लिक करोगे तो दोनों से डिलीट हो जाएगा, सामने वाले बंदे से भी डिलीट हो जाएगा और आपकी चैट से भी डिलीट हो जाएगा। तो आप चाहो दोनों भी कर सकते हो और ये ऑप्शन आपको सिर्फ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा पोस्ट या रील्स पर, और ये कहीं भी मैसेज वाले ऑप्शन पर सिर्फ आपको अनसेंड वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। और आप कोई रील्स सेंड करते हो, पोस्ट सेंड करते हो तो अनसेंड और डिलीट फॉर यू ही आपको पोस्ट या रील्स पर देखने को मिलेगी। आई होप आपको समझ गए होगे, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो ज़्यादा से शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।